हे गाइस, स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे। मैं हूँ आपका दोस्त शिवान वसीन। तो गाइस, बहुत टाइम से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी थी, पर अब मैं हर दिन एक नई वीडियो अपलोड करूंगा जिसके बारे में आपको मैं इंडेक्स के बारे में समझाऊंगा कि क्या इंट्राडे या नेक्स्ट डे मार्केट कैसी रिएक्ट कर सकती है, और आपको हर दिन नए स्टॉक्स के बारे में बताया जाएगा, या टेक्निकली हो या फंडामेंटल हो, जो आपको महीने के अंदर भी अच्छे रिटर्न दे दे चार्ट्स के बेसिस में, और क्यों वो बनाए, कोई पैटर्न बनाए, किस तरीके से। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसे अब बाय करना चाहिए, इसे अब शॉर्ट करना चाहिए कि आप अच्छे खासे रिटर्न कमा सके मेरे इस चैनल के साथ बने रहते रहते। हफ्ते का भी वो ट्रेड हो सकता है, महीने, 3 महीने, 6 महीने के भी हो सकते हैं। तो मैं आपको ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जो आपको अच्छे से समझ आएंगे, और अगर आप उसमें ट्रेड लेंगे तो आप अच्छी खासे प्रॉफिट में रहेंगे। तो गाइस, मेरे साथ बने रहिए। अब हम बात करते हैं कि आज एक्सपायरी खत्म हो गई है, और एक्सपायरी में आज हमने देखा था कि गिरावट आई थी, पर आखिरी के कुछ मिनटों में मार्केट में अच्छी रिकवरी आई और वो ऊपर गया। ऊपर जाने का रीजन यही होगा कि FIs ने नीचे से माल को उठाया होगा, और वहीं से हमने देखा होगा कि वो पर्टिकुलर इंडेक्स जो भी थे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, वो दोनों ऊपर गए हैं, या DIs ने माल उठाया होगा। अब हम इस रीजन को लेकर चले तो अब मार्केट नीचे 2 दिन से क्यों गिर रहा है, उसका रीजन क्या है, क्या अब जो इसने टॉप बनाया था वो टॉप बन चुका है, ये अब अभी एक और टॉप बनना बाकी है। तो गाइज, उसी के साथ मैं आपके लिए वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं निफ्टी का ये चार्ट है, मैं इसे जूम कर देता हूँ। मैंने एक सिंपल सी सिर्फ ट्रेंड लाइन बनाई है सारे टॉप्स को मिलाते हुए, तो ये ट्रेंड लाइन हमें एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रही है। मैं अगर आपको ये प्रीवियसली इसका ट्रेंड लाइन का दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन का वो टॉप को क्रॉस नहीं कर पा रही है, टच करते ही इस ट्रेंड लाइन को वो तोड़ नहीं पाती थी और नीचे आ जाती थी। सेम इसने ऐसा ही करा, इस ट्रेंड लाइन के पास गई, इसने नहीं इसको ब्रेक कर पाई, इसे नीचे आ गई, फिर इसे टेस्ट करा और वहीं से नीचे आ गई, फिर टेस्ट करके ये ऊपर गया, और फिर इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, वो भी विद ह्यूज ग्रीन कैंडल के साथ। तो गाइस, एक इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद, अब इसका ब्रेकआउट देने के बाद ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली मूव करेगा। अब ये हमें एक बाइंग इन अपॉर्चुनिटी देगा कि हम जैसे लोगों ने जो इस लेवल से मिस कर दिया था बाय करने के लिए निफ्टी को, अब हम बाय कर सके। तो गाइस, ये इसने ब्रेकआउट दिया है 11,620 के आसपास। तो गाइस, मैं आपको यही सलाह दूंगा, जो मेरे व्यूअर्स थे, जो मेरे क्लाइंट्स थे, मैं उन्होंने यही बताया था कि 11,620 के आसपास अगर आज मिलता है तो आज हम निफ्टी को बाय करके चलिएगा। और हमने देखा आज 11,640 तक आया था, पर हम लोग बाय नहीं कर पाए थे। तो गाइज, अगर कल आपको बाय चांस निफ्टी 11,620 के आसपास मिल जाता है तो आप निफ्टी को बाय कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है 11,620 का लेवल को तोड़ेगा, यानी कि 11,600 के लेवल को तोड़ेगा। और आप ऐसा कर सकते हैं, एक स्ट्रैटेजी बना के चल सकते हैं कि 11,620 में आप आधी क्वांटिटी बाय करके चलिए, और 11,580 अगर बाय चांस आता है, जो उम्मीद नहीं है कि आना चाहिए, पर अगर बाय चांस आता है एक हमें बताने के लिए, हमें फूल बनाने के लिए कि उसने 600 का लेवल तोड़ दिया, अब एक करेक्शन आ सकती है और वहां से वो बाउंस बैक करेगा, तो अगर एक ऐसा सिनेरियो बनता है तो हम एक बाय चांस 11,580 पे भी एक लॉट बाय करके निफ्टी का चलेंगे और हमें ये दो स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि यहां से ये गिरा, और अगर अब ये इस लाइन को टेस्ट करती है तो यहां से हम एक और फिर अपमूव आते हुए देख सकते हैं। तो गाइज, मैं अभी भी आपको कह रहा हूं, आप एक अपमूव के लिए तैयार हो सकते हैं, क्योंकि मैं मुझे नहीं लगता अभी ये मार्केट गिरेगी, जब तक इलेक्शन नहीं आते ये मार्केट साइडवेज जा सकती है, नीचे थोड़ा सा गिर सकती है, पर जो आप करेक्शन समझ रहे हैं, जो मैं आपको पहले से बताते आ रहा हूं, वो करेक्शन अभी नहीं आएगा, जिस तरीके से मार्केट का रिएक्शन लग रहा है, जो टॉप में टॉप बनाया जा रहा है। तो गाइस, आपको मैं बता रहा हूं, अगर ये 11,620 के आसपास अगर आपको मार्केट इंट्राडे में मिलता है तो आप इसमें अपनी पोजीशन बनाइए, उसके बाद 11,580 में बाय चांस आ जाता है तो अपनी एक पोजीशन और इसमें खड़ी करिए, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 11,560 का। गाइस, 11,560 को तोड़ता है तो उसके बाद आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेना है और वहां पर आपको नहीं रुकना। और जो हम इसमें लेवल्स आते हुए देख सकते हैं, अगर इसमें जो लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 11,760 या 11,770 तक कल या परसों तक जा सकता है और आपको अच्छे खासे रिटर्न्स ही दे जाएगा। गाइस, अगर आपको थोड़ा सा भी आसपास मिलता है तो इसको बाय करके चलिएगा। निफ्टी को अभी हमें शॉर्ट नहीं करना, उल्टा हमें नीचे के लेवल से निफ्टी को बाय करके चलना है, ये गाइस हमें अच्छा खासा रिटर्न देकर जाएगा। अब हम बात करते हैं इसका, हम एक बार अर्ली चार्ट ओपन करते हैं। अर्ली चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें आज इसने बाउंस कैसे करा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने लगा रखा है, जो कि 11,640 का था, वहां पर इसने उसको टेस्ट करा, वहीं से ये बाउंस कर गया। बाउंस करने के बाद ये ऊपर की तरफ बढ़ तो रहा था, पर ऊपर की तरफ इसने एक रेजिस्टेंस फेस करा, जो कि 20 दिन का मूविंग एवरेज को वो नहीं तोड़ पाया। तो गाइज, अगर ये आपको थोड़ा बहुत नीचे मिलता है, 11,640 के आसपास भी अगर आपको मिलता है, 620 के आसपास भी मिलता है,
तो इसको आप बाय करके चलिएगा निफ्टी को। आप देख सकते हैं इसने अच्छा खासा यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस करा है। अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज अपना सपोर्ट जो लिया है 20 दिन के मूविंग एवरेज में लिया है डेली चार्ट में। तो 20 दिन के मूविंग एवरेज को, यानी कि अगर आप आज का स्टॉप लॉस लगा के चले लो को, जो आज का लो था, अगर आप उसको स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे और अपना आप इसको बाय करके चलेंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि ये आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। और मुझे जो इसके लेवल लग रहे हैं वो लग रहे हैं कि ये 28,350 या 28,380 तक जा सकता है। तो गाइस वो लेवल कहाँ से आया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने अर्ली चार्ट इसका भी ओपन कर लिया है। अगर इसे मैं जूम आउट करूंगा तो आपको एक चीज कॉमन यहाँ दिख जाएगी। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको एक बार शो करके दिखाता हूँ, आप आराम से समझ जाएंगे। आपके लिए मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने एक लाइन बना दिया। आप ये देख सकते हैं इस लाइन को ये 3 बार टेस्ट करने की इसने कोशिश करी है, जो कि है 28,380 का लेवल। तीनों बार इसने टेस्ट करा और फिर ये अपने इस बॉटम तक आने की कोशिश करता है। तो यानी अभी ये इस रेंज में ट्रेड कर रहा है गाइस, आप देख पा रहे होंगे ये इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। इस रेंज में ट्रेड करने का मतलब ये हुआ कि आप देख सकते हैं यहां से ऊपर गया, इसको नहीं तोड़ पाया, नीचे आ गया, ऊपर गया, इसको नहीं तोड़ पाया, नीचे आ गया। ये जो लेवल आ रहा है 27,660 का, ये मैं आपको बहुत दूर का लेवल बता रहा हूँ, पर आपको अगर मैं इसका बॉटम टेस्ट करवा के देखता हूँ, आप ये टेस्ट करके देखिए, जो 27,780 का जो लेवल आ रहा है वो हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर रहा है। तो गाइज ये एक रेंज बन चुकी है आर्ली चार्ट में, जिसको वो ब्रेक नहीं कर रहा। अगर आपको इस रेंज के बॉटम पे मिलता है, यानी इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे मिलता है, जो कि 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है आर्ली चार्ट का, तो आप यहां से अपनी एक बैंक निफ्टी में बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। अगर आपको इस यहां तक मिलता है 28,370 380 तक में, तो आप एक इंट्राडे के अंदर बैंक निफ्टी में शॉर्ट लगा सकते हैं, पर आपको जो उसका स्टॉप लॉस लगाना है वो उसका आपको ऊपर या 50-70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के इसमें ट्रेड करना होगा। क्योंकि अगर इससे ये ऊपर की साइड अगर ये ब्रेकआउट देता है तो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट माना जाएगा, बहुत अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा। और मुझे लग रहा है, उम्मीद लग रही है कि 28,380 को वो अभी तोड़ नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि तो अभी थोड़ा साइड वेज चलने की कोशिश करेगा। पर जैसे ही 28,380 के लेवल को तोड़ता है, तो गाइस हम बहुत अच्छी खासी अपमूव आते हुए देख सकते हैं। और इसका जो लेवल बनते हुए आ रहा है, वो लेवल बनते हुए आ रहा है ये जो रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है ट्रेंड लाइन के बेसिस में, और इसका रेजिस्टेंस हमें कम से कम 300-400 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। तो गाइस बेस्ट अपॉर्चुनिटी मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बता दी, कहां से ये सपोर्ट लेके अपमूव कर रहा है, तो आप इन दोनों में ट्रेड लेकर चल सकते हैं। ये मत सोचेगा कि 11,620 पे ही मिलेगा तभी मैं बाय करूंगा, उसके आसपास भी मिलता है तो भी आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अगर हमारे हिसाब से चलने लग गई तो फिर कुछ हो ना जाए। तो ये आप समझ सकते हैं 11,620 का लेवल नहीं, 11,625 में मिलता है, थोड़ा और ऊपर मिलता है तो आप एक रिस्क लेके बाय कर सकते हैं। अगर ये ऊपर जाना चाहे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। अभी तक मैंने FIS का डाटा नहीं पढ़ा, पर FIS के डाटा में मुझे उम्मीद ऐसी लग रही है, अगर आप लोग स्टॉक एज का ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको आज के FIS का डाटा दिख जाएगा। आप जरूर देखिएगा कि उन्होंने इंडेक्स और में कितनी बाइंग करके रखी है, इंडेक्स ऑप्शन में, फ्यूचर FIS ने इंडेक्स ऑप्शन में, मुझे लग रहा है कि इंडेक्स ऑप्शन में उन्होंने अच्छी खासी बाइंग करके रखी होगी। अगर उन्होंने इंडेक्स ऑप्शन में अच्छी खासी बाइंग करके रखी होगी, उसका मतलब यही होगा कि उन्होंने नीचे से सारी कॉलें उठा ली हैं, और कॉल उठाने के बाद मुझे लगता है कि कल मार्केट एक ऊपर की तरफ जा सकती है। तो गाइस अब हमें अब देखना है कि ये जो चार्ट्स जैसा शो कर रहा है वैसा ही होगा, या जो ट्रेंड है वो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। गाइस कुछ भी हो सकता है, बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक ये इस बॉटम को टेस्ट नहीं करा है, शायद ये इस बॉटम तक भी जा सकता है और शायद ये इस लेवल तक भी जा सकता है, क्योंकि अभी ये बीच में, अभी हम कुछ गारंटी नहीं ले सकते इसकी ये कहां तक जा सकता है, कल के मार्केट में हमें अपने आप पता चल जाएगा। पर मुझे उम्मीद यही लग रही है कि बैंक निफ्टी भी कल आउट परफॉर्म करेगा और अच्छे खासे लेवल्स के साथ ऊपर जाएगा। तो गाइस निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने आपको दोनों चीजें समझा दी हैं, और कल से मैं आपके लिए रोज वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको मैं स्टॉक्स के बारे में भी समझाऊंगा कि उसमें ऐसा क्या पैटर्न बना है, उसमें ऐसे क्या इंडिकेटर सजेस्ट कर रहे हैं कि अब हमें इसमें अपनी बाय या सेल पोजीशन बनानी चाहिए। कुछ हफ्तों के लिए बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हैं, वो माल अगर आप उठा लेंगे जो मैं आपको बताऊंगा, सस्ता माल बताऊंगा, पर आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी वो देकर जाएगा। तो गाइस इसी के साथ मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, हर दिन आपके लिए नई वीडियोज अपलोड होती रहेंगी, और मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।